रूपा पंडित। एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनबीसी न्यूज की खास मुलाकात में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ऐसे तीन शख्स हमने खास तौर पर अपने स्टूडियो में बुलाया है जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको आपको उनका परिचय बताएंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में तीन ऐसे लोग उपस्थित हुए हैं जो न सिर्फ जानवरों की देखभाल करते हैं बल्कि उन्हें अपने घर पे लाके उन्हें प्रॉपर उनकी डिलीवरी से लेकर तो उनके उन्हें फीड करने तक का सारे कार्य जो है वो बखूबी निभाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं अपर्णा रेड्डी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय होने के साथ ही साथ इतना मतलब उनका ऑलरेडी वर्कलोड रहता है, इसके बावजूद उनका एनिमल्स के प्रति जो प्यार मोहब्बत है वो अभी बरकरार है और वो चाहती है कि लोगों में भी ये कार्य करना आना चाहिए, उनमें ये भावना आना चाहिए। जैसे हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्यार रखते हैं, वैसा जानवरों के प्रति क्यों नहीं रखते। मैम, ये बताइए कि इसकी शुरुआत आपने कब की, कैसा कब आपको ऐसा लगा कि नहीं, इंसानों के लिए तो हर कोई करता है लेकिन इन मासूम बेजुबान जानवरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। एक दिन मैं अपनी बहन के घर से वापस आ रही थी रामनगर से, तो वहाँ रास्ते में मैंने देखा कि कुछ कुत्ते इतने मतलब दुबले पतले, ऐसा लग रहा था कि स्केलेटन के ऊपर सिर्फ कपड़ा डाला हुआ है। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं इनको खाना दे दूँ तो थोड़ा तो इन्हें राहत मिलेगी। मैं घर गई वापस घर से, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था तो कहीं भी हम शॉप्स नहीं थी कि मैं कुछ खरीदूँ और तुरंत उनको दे दूँ। मैं घर आई, घर से मैं दूध लेके गई, मैंने उस दिन उनको दूध दिया। फिर घर आने के बाद मैंने सोचा कि आज तो मैंने दे दिया, कल का क्या होगा, कल फिर भूख लगेगी। तो उस दिन से मैंने शुरुआत की कि मैंने सोचा अब मैं रोज खाना दूंगी, तो उस दिन से मैं रोज उनको खाना देने लगी। करीब करीब मुझे 2-2.5 साल हो रहा है कि मैं रोज वहाँ जाती हूँ, और उसके अलावा भी जहाँ मुझे दिखता है कि भाई यहाँ है, डॉग्स है, मैं इनको फीड कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। आप लोग भी इसी फील्ड से रिलेटेड हैं, आपका क्या एग्जैक्टली वर्क है? हम लोग नागपुर से पढ़ाई करने के लिए बाहर गए थे जी, तो हम लोग वहीं से अपने जहाँ भी हम पीजी और हॉस्टल्स में रहते थे वहाँ पे जितने भी कैट्स या डॉग्स तो कम रहते थे, बट बर्ड्स और कैट्स को हम फीड करते थे। और फिर लॉकडाउन में भी हमने फीड किया डॉग्स को, और हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9 या 10 ईयर्स से अकेले इंडिपेंडेंटली डॉग्स को फीड करते हैं। और फिर जब हम लोग नागपुर शिफ्ट हुए उस पर हमने मामी को ज्वाइन किया, क्योंकि जैसे नागपुर शिफ्ट हुए लॉकडाउन पर काफ़ी लोगों ने इग्नोर भी किया था, पर काफ़ी लोग इस चीज़ में अवेयर भी हुए थे। और मामी ने स्टार्ट किया तो हमने सोचा कि एटलीस्ट हम पैसे से तो उतना नहीं कर सकते पर वॉलेंटियर तो करके कर सकते, क्योंकि लोग वॉलेंटियर नहीं करते। ये बात एक बहुत अच्छी इन्होंने कही है कि एक स्टूडेंट होने के नाते फाइनेंशियली तो वो पूरी तरीके से एक एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, या फिर ये कहा जाए कि उसके पूरे खाने से लेकर ऑपरेशन तक की बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी कभी कोई एनिमल्स जो रहता है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, तो ये सब चीज़ों के प्रोसीजर में वो फाइनेंशियल तो नहीं कर सकते लेकिन वो फिजिकली उनके साथ खड़े होते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये बताइए कि क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता नहीं कि हम इस तरह से का काम जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठेंगे कि यार ये लड़कियां रह के ये सब काम क्यों कर रही है, तो क्या आपके मन में कभी ऐसा आता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। लोग ये तो बोलते हैं कि तुम लोग पागल हो क्या, कितना रोज रोज जाते, आज खुद के लिए और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम नहीं है, तुम लोग जॉब कर लो। जॉब भी किया मैंने, बट लॉकडाउन के बाद मम्मी पापा ने यहाँ बुला लिया तो उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, अगर कुछ नहीं घर पे तो बैठ के कुछ होगा नहीं, तो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं हम उनके लिए, एनिमल्स के लिए। आप ये बताइए कि क्या आप जो एनिमल्स के लिए वर्क करती हैं उसमें आपको एनजीओ का भी सपोर्ट मिलता है? नहीं, सपोर्ट तो हम नहीं कॉल करके ट्राई करते थे हमेशा, जब भी हमने कोई भी डॉग्स को रेस्क्यू किया है चाहे वो केनाइन डिस्टेम्पर के हो या वो प्रेग्नेंट हो बट कोई एक्सीडेंट या एक्सीडेंटल केस हो, पर एज सच हमें आज तक के कोई किसी ने रिवर्ट बैक नहीं किया।
वो लोग या तो कॉल नहीं उठाते, या तो बोलते कि हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, या ये बोलते कि हम आपको कॉल बैक करेंगे और उनका कभी कॉल बैक नहीं आता। तो हमेशा मामी ही फाइनेंशियली हेल्प करती है। अपर्णा मैम, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, इतना वर्क ऑलरेडी आप 8 to 10 आवर्स अपने जो है वो जॉब को देती है, उसके बाद आपका घर भी है, तो क्या आपको घर से भी सपोर्ट मिलता है इसको ये वर्क करने के लिए? कभी एक रीसेंट एग्जांपल बताती हूँ। मैं ऑफिस से आ रही थी, आने के बाद हम लोग, मेरी भांजियाँ घर आ जाती है और फिर मैं बैग रखती हूँ और तुरंत मैं खाना देने निकलती हूँ। तो उस दिन हमने एक फीमेल को देखा कि उसका बेबी बाहर आ गया था, बट वो डिलीवर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर हम तीनों ने सोचा कि हम तुरंत इसको हॉस्पिटल ले जाते। मैं रात को 8 बजे हॉस्पिटल ले गई। ये बच्चे भी मेरे साथ 10 बजे तक थे और इसके अलावा मेरा बेटा अकेले घर में 12 बजे तक था। तो मुझे मेरे घर का सभी लोगों का पूरा सपोर्ट है, मतलब हर कोई। मेरा बच्चा इतना छोटा है, 11 साल का है, वो भी मेरे साथ कभी कभी हेल्प करने के लिए आता है कि मम्मी मैं भी चलूंगा। उसे भी उतना ही जैसा ये भांजियां मेरी करती है, वैसा ही उसके अंदर भी प्रेम है जानवरों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है मैम कि छोटे बच्चों के भी दिमाग में ये चीज आ जाती है कि नहीं, हमें जो जानवर बोल नहीं सकते उनके लिए करनी चाहिए। बट नियति देखिए कि आजकल के इंसानों के दिमाग में ये समझ में नहीं आता, मदद करना तो बहुत दूर की बात है। इस तरह का रेस्क्यू कर ऑपरेशन की पूरी प्रोसीजर जो पूरी करना होता है वो हर कोई नहीं कर सकता आपके जैसा काम। ये बताइए कि इस सब चीज़ों के लिए डिफ़िकल्टीज क्या आती है? जैसे अगर आप पर्टिकुलर किसी एक एरिया में जाते हैं और रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स को फीड करने की कोशिश करते हैं, तो कोई ऑब्जेक्शन उठते हैं? सबसे ज्यादा फीड करने के लिए प्रॉब्लम आता है। हाँ, कोई डॉग बीमार है तो लोग मुझे लेके जाइए हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा। पर जहाँ हम खाना खिला रहे, आप क्यों खिलाते हो, अपने घर ले जाओ इनको। हम बोलते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, हम रोड पर देते हैं खाना, हम किसी की सोसाइटी में एंटर करके और हम बाकायदा क्लीन करते हैं। हम जिस वेस्ट ले जाते हैं हम डेली, वो रास्ते पे ऐसे में डालते हैं, वो जगह भी गिर गया पानी से वॉश कर देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्लीनलीनेस का कोई उनको बहाना देना दे कि आप गंदा करके जाते हो। उनको यही प्रॉब्लम है कि हम उन लोगों को खाना ना दे यहाँ पे, आप अपने घर पे ले जाके दो। कई लोगों ने ऐसा भी बोला है। बात 20-30 कुत्ते तो हम घर पे नहीं रख सकते। एग्जैक्टली, फिर भी करते करते मेरे घर में आज की तारीख में 10 मेरे हाथ 3 फीमेल है, 1 मेल डॉग है और 6 पपीज है। 10 अभी ऐसे करते करते 10 है फिलहाल मेरे घर में। मैम ये बताइए कि नागपुर में भी एक जगह है जो कुत्ते वाले बाबा के आश्रम के नाम से फेमस है, तो वहां पर भी बहुत सारे डॉगीज हैं। लेकिन क्या मतलब ऐसा लगता है आपको कि पर्टिकुलर जिस जगह पे ये सारे एनिमल्स रहते हैं वहां पर भी डॉग्स की देखभाल सही तरीके से होती है? नहीं, मैं वहाँ गई थी, मैंने ऑब्जर्व किया, बट वहाँ कोई हाइजीन नहीं था। मतलब उतना ध्यान तो दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मुझे भी किसी ने सजेस्ट किया कि आप इतना लाते हो, आप वहाँ आश्रम में छोड़ दो। तो इसीलिए मैं देखने गई, लेकिन वहाँ कोई केयर, मुझे लगता नहीं कि वहाँ उनकी वो देखभाल होती होगी ना, प्रॉपर खाना सब देख कर मैंने वहाँ छोड़ने का मतलब निर्णय बदल दिया अपना। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये बताइए कि जब फीमेल डॉग जो होती हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस स्थिति में उनकी जो प्रोटेक्शन होता है वो किस तरह से आप लोग करते हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करके उनको हॉस्पिटलाइज करती हैं आप लोग? उनको डॉग एनिमल्स, इनफैक्ट कोई भी एनिमल को एज सच प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि ना उनके बच्चों को, क्योंकि हर एनिमल के स्टम मतलब जो यूट्रस होता है उसके अंदर एक इंटरनल सैक होता है। वहाँ पे वो इंसानों से ज़्यादा थिक होता है, तो उनको एज सच कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती वाइल प्रेग्नेंट। बट प्रेगनेंसी के पहले उन्हें ज़रूरत होती है, ताकि हम उन्हें प्रेग्नेंट करने से अवॉइड कर सके। क्योंकि आप आज किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एरिया में निकल जाइए, आपको लोग यही बोलेंगे कि यहाँ कुत्तों की आबादी बहुत बढ़ गई है, तो हम NMC को बुला के इनको रिलोकेट कर देते हैं। बट रिलोकेट करना सोल्यूशन एंड इट इज़ इलीगल। रिलोकेटिंग अ डॉग इज इलीगल। तो रादर ये बोलना कि हम NMC को बुला के इन कुत्तों को यहाँ से भगा दें, आपको आप ये कर लिए कि आप NMC को बुलाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमारे ये एरिया के इतने इतने फीमेल डॉग्स हैं, इतने इतने मेल डॉग्स हैं, आप इनको न्यूटर और स्पे कर दीजिए।
और एक लोगों को प्रॉब्लम होती है जबकि कुत्ते गाड़ी के कवर फाड़ देते हैं या गाड़ी की सीट फाड़ देते हैं, हमें ये भी कंप्लेंट आई थी। किस कंडीशन में करते हैं आप बताएंगे मुझे? फीमेल जब हीट हीट पे आती है और मेल जब मेल यूजुअली नॉर्मली भी हम लड़कों को देखे तो जब वो लोग एडोलेसेंस में पहुंचते तो उनका एक अग्रेशन बढ़ जाता है, तो वैसे ही हॉर्मोन्स दोनों में रिलीज होते हैं, जैसे इंसानों में होते हैं वैसे एनिमल्स में भी होते हैं। तो वो हॉर्मोन्स को रिलीज करना, मतलब वो जब हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं तो उनका जो इमोशनल ट्रॉमा, जो उनके जो इमोशंस उनके अंदर चलते होंगे वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें भी कहीं ना कहीं हम भी उस सिचुएशन से गुजर चुके रहते हैं। तो हम ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें भगवान ने सोशल एनिमल बनाया, उन्हें नहीं बनाया, वो लोग सोशल एनिमल नहीं होते, तो वो लोग अपना अग्रेशन उस तरीके से निकालते। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम हो रही है कि हम ये कुत्ता यहाँ आके गड्ढा खोद रहा है, ये कुत्ता आके हमारी गाड़ी की सीट फाड़ रहा है, तो आप एनएमसी को बुलाइए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 1500 रुपीज देकर उनका ऑपरेशन करवा दीजिए, आपको ना दूसरे कुत्ते पैदा होंगे ना आपको प्रॉब्लम होगी, उन कुत्तों को आप 2 रोटी भी दे देंगे तो वहाँ जी लेंगे, उनकी लाइफ भी बहुत तरीके से ट्रॉमेटिक हो जाएगी। हाँ, और अगर ये चीज अगर होती है तो उनकी लाइफ काफी, उनका जो लिविंग कंडीशन है वो काफी बेटर हो जाएगा, क्योंकि फीमेल हर 6 महीने में बच्चा देती है, हर 6 महीने में छह से 10 बच्चे होते हैं, उसमें से सिर्फ एक या दो बच्चे तो उनको इमोशनली कितना ट्रॉमा होता होगा। वो जो आपकी गाड़ियों के पीछे भागते हैं वो एक रीजन की वजह से भागते हैं, क्योंकि आपकी एक किसी की गाड़ी होती है जो उसके बच्चे को कुचल के गई होती है, तो वो आप अपनी जगह पे रख के सोचो कि आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, वो तो मुंह का जानवर है, वो बोल भी नहीं सकता। तो और बारिश और ये सब की वजह से उनकी जो लिविंग कंडीशंस होती है वो भी कोई बहुत लग्जूरियस नहीं होती, कि हम पैदा कर रहे तो करने दो बच्चे, ऐसा नहीं होता। आप उनको करवाइए, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, आप एनएमसी को बोलिए, आपके जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको रिक्वेस्ट करिए कि हमारे एरिया में इतने इतने कुत्ते हैं, आप उन्हें आइए लेकर जाइए और आप उनको ऑपरेशन कर दीजिए। मतलब पर्टिकुलर जो कुत्ते हैं वो ज़्यादा हाई टेम्पर जब हो जाते हैं तो ये एग्जैक्टली रीज़न हमें नहीं समझ में आता कि वो क्यों होते हैं, लेकिन आपने बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से इसका कारण बताया है कि वो क्यों होते हैं। और जब डॉगीज़ जो होते हैं, स्पेशली मेल डॉग, जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्पर हो जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? एक तो एनएमसी को कॉल करना चाहिए, या फिर एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा है कि आप खुद इन्वेस्ट करिए। 1500 ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, या फिर 1000 रुपीज़ जो भी रहेगा एज पर उनके ऑपरेशन का खर्चा बोलो या फिर उनको प्रोटेक्ट करने का खर्चा। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर हम एक इंसान हैं तो हमें उन जानवरों के लिए भी सोचना चाहिए। मैं मेरा लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली हम पहले ये बोलना चाहते हैं कि आप अगर 1-2 कुत्ते भी आप फीड कर देंगे रोज़, तो हम जैसे आज नागपुर में 100-150 तो होंगे फीडर्स जो इंडिविजुअली फीड करते हैं, तो अगर आप अपने गली के 1-2 कुत्तों को फीड कर देंगे तो हम जैसे लोगों को वहाँ आकर आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी कि आप लोग आते हो तो यहाँ और 4 कुत्ते आ जाते हैं। आप अगर 1 को दे दोगे तो वहाँ 4 और नहीं आएंगे, ना हम वहाँ आएंगे, हम जो फीड करने में पैसे इन्वेस्ट करते वो हम कहीं और कुछ किसी और एक्सीडेंटल केस को हम हेल्प कर सकते हैं उससे, या किसी को न्यूटर या स्पेकर आ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा काइंडनेस दिखाइए एनिमल्स की तरफ, कोई भी एनिमल हो, सिर्फ कुत्ते की बात नहीं कर रहे हम। हाँ। गाय भैंस लोग लकड़ियों से मारते हैं, लोग पत्थर मारते हैं, बच्चों को थोड़ा सेंसिटाइज कराइए एनिमल्स की तरफ। और जब कुत्ता काट लेगा तो ये मत बोलिए कि कुत्ते ने काटा, बच्चे ने कुछ किया होगा तभी कुत्ते ने काटा, एडल्ट ने भी कोई कुछ किया होगा तभी वो कुत्ता। आप तो, रोड पे से जा रहे हो, कुत्ता लेटा हुआ है, वो कभी आपको विदाउट एनी रीजन उठ के उछलेगा आपके ऊपर? कभी नहीं। आप या तो आपने कुछ किया होगा या तो किसी और इंसान की ने कुछ किया होगा, वो उससे आपको रिलेट करके वो करेगा। वो खुद कभी, जैसे इंसान मार देता है किसी को, वो कुत्ता या बैल या गाय जो भी एक जानवर है वो खुद से कभी नहीं किसी के ऊपर अग्रेशन दिखाता है। और एक जानवर कुछ करता है
तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे जानवर वैसे है। 100 आज इंसान 100 जानवरों को पत्थर मारेगा, पर उसका कोई बोलता नहीं है कि अरे ये इंसान खराब है, इसने 100 जानवरों को पत्थर मार। एक कुत्ते ने अगर किसी पे भौंक दिया, किसी की गाड़ी के पीछे चला गया, तो उस कुत्ते को बोल, उस कुत्ते को पोर्ट्रेट किया जाएगा कि ये मैन ईटर है या व्हाटएवर। तो वो नहीं करिए, थोड़ी सी काइंडनेस बेजुबान जानवरों की तरफ दिखाइए आप लोग। अपर्णा मैम, ये बताइए कि आपने, मैंने सुना है कि अब तक बहुत सारे आपने फाइनेंशियली जो है अपने इन डॉग को प्रोटेक्ट करने में लगा दिया है बहुत सारा फाइनेंस, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? बात फाइनेंस की नहीं आती है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ आप अपने हर तरीके से कर्तव्य का पालन कर रही हैं, और लेकिन इन फ्यूचर आपके और क्या क्या प्लान है, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा तो ऐसे प्लान है कि मैं खुद ही एनजीओ खोलूं, क्योंकि कोई हमारी हेल्प नहीं करता। तो मैं ये सोच रही हूँ हम लोग सब तीनों जन मिलकर ये स्टार्ट करें कि हमको किसी कुत्ते को ये देखकर ऐसा नहीं लगे कि अरे यार अब हम इसकी मदद नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हम उसको उठाए और हम एक सुरक्षित जगह पर रखें, हमारा प्लान है वो। और मैं लोगों से एक अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप, जैसे हम हमारे लिए एक ड्रेस खरीद लेते हैं, रेस्टोरेंट में जाके 5,000 का खाना खाकर आ जाते हैं, तो उस मुक्के जानवर के ऊपर हम सबने अगर थोड़ा थोड़ा भी सोचा ना, तो ये जो समस्या है कि ये कुत्ता यहाँ घूम रहा है, वो समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगर हर एक व्यक्ति ने घर के, एक घर से एक व्यक्ति ने भी एक एक रोटी भी डाल दिया ना, तो कोई कुत्ता भूखा नहीं रहेगा। ये मेरी अपील है। और जितना हो सके आप लोग अगर जागरूक हैं तो ऑपरेशन के तरफ थोड़ा सा ध्यान दे, इससे आबादी, कुत्तों की आबादी भी कम होगी और वो हमारी गाड़ी के नीचे आने से भी बचेंगे। और फिलहाल जितने जानवर्स हैं, जितने भी डॉगीज हैं, वो सेफ रहेंगे। यस यस, ये तो बहुत। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो आपके घर के पास जो भी हम जैसे लोग आते डॉग्स को खाना देने, उन्हें आप प्लीज हरास मत कीजिए, क्योंकि उनको मेंटली जो वो होता है ना, वो बहुत इफेक्ट करता है कि हम जाकर वहाँ फीड कर रहे हैं, आप तो करते नहीं है, आप जो कर रहा है उसे परेशान करते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझकर आकर कि ये कुत्ते इनको परेशान, हम तो वो भूखे हैं इसलिए उन्हें खाना दे रहा है ना, तो आप प्लीज हरास मत करिए, ये वो भी इलीगल है। दोस्तों, इन बिसिन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ, हमने स्टूडियो में खास तौर पर स्टूडियो में बुलाया था अपर्णा रेड्डी मैम को, जो कि पेशे से सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय होने के साथ ही साथ उनकी जो आगे की प्लानिंग है, आपने देखा कि कई बार एनजीओ और एनएमसी को इसकी जानकारी देने के बावजूद डॉगीज़ का प्रोटेक्शन पूरी तरीके से नहीं होता है। और उन्होंने जो आज हमारे स्टूडियो में कहा है कि आज एक, पहले वो एक थी, उसके साथ उन्होंने अपने साथ दो लोगों को ज्वाइंट किया, अपनी ही फैमिली मेंबर्स को, और उनकी जो फैमिली मेंबर में उनकी जो दो भांजियां हैं, भरपूर सपोर्ट जो है वो उनको कर रही है, और आने वाले दिनों में 1 से 2, 2 से 3, और अब ये तीनों मिलकर एक एनजीओ की स्थापना करेंगे, जो हमारे तरफ से तो बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स है आपके साथ कि आपका एनजीओ जो है वो आगे चल के इतना ज़्यादा फेमस हो जाए, और साथ ही साथ जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए आप लोग कर रहे हैं उसके लिए हमारे तरफ से भी आपको फुल सपोर्ट है। दोस्तों, इन बिसिन की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इन बिसिन न्यूज़। नमस्कार।